में आ रही है। संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नेताओं की बैठक हुई है। संसद में विपक्ष की रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। सपा, एनसीपी, आरजेडी और आपके नेता मीटिंग में शामिल हैं। और देखिए एनसीडीएमके, जेडीयू, सीपीआई के नेता भी मौजूद हैं। उसी खबर पर दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? तमाम जो विपक्षी दलों के नेता बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर क्या रणनीति जो है वो इस बैठक में बनाई जाएगी, क्या एजेंडा रहा इस बैठक का, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए शांतनु, अडानी समूह मामले पर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इससे पहले भी कई बार विपक्षी पार्टियों ने बैठक की रणनीति तैयार किया और आज विपक्षी दलों की बैठक संसद भवन में हुई जिसमें तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो मौजूद रहे। चाहे हम एसपी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता एसपी हसन मौजूद रहे, इसके साथ ही जयंत चौधरी बैठक में मौजूद है और तमाम जो विपक्षी दल के, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, नेताओं की बैठक हुई है। रणनीति तय की गई है कि सरकार को किस तरह से अडानी मामले पर घेरना है और इसके साथ ही 10 बजे यानी जो है गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी विपक्षी पार्टियों का आज होना है। इसके साथ ही कहें तो आगे चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन जिस तरह से हंगामेदार संसद का सत्र देखने को मिल रहा है और आज भी सोमवार का दिन है और हंगामे बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा और जब जैसे ही सत्र की शुरुआत होगी अडानी मामले पर विपक्षी पार्टियों ने रणनीति तय कर लिया है बैठक में और बैठक के बाद ही जब सत्र की शुरुआत आज होगी 11 बजे सुबह में तभी सरकार को अडानी मामले पर घेरा जाएगा। यानी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अडानी मामले पर आज फिर संसद में हंगामा देखने को मिल सकता है, जिस तरह से कार्यवाही जब शुरू होगी और उसके बाद तमाम जो विपक्षी दलों के नेता बैठक कर रहे हैं और उसके यही रणनीति कहीं ना कहीं बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए।